यार कब आएगी ये वैक्सीन? 3 जनवरी 2021, भारत के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए देश को जानकारी दी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान में दो कोविड वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज अप्रूवल के तहत अनुमति दे दी है। पर इस अनुमति के साथ ही कुछ सवाल हर किसी के जहन में आने लगे, जैसे कि ये वैक्सीन मार्केट में कब तक आएगी, सबसे पहले किसको मिलेगी, या फिर इसकी कीमत क्या होगी, आदि इत्यादि। इन कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो के जरिए आज मैं देने वाला हूं। सबसे पहले, जिन दो वैक्सीन्स को अनुमति मिली है उनमें पहली है सेरम इंस्टीट्यूट की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित कोविशील्ड, और दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को लेकर कुछ सवाल उठने लगे थे, जिनके जवाब में भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया और कहा कि कोवैक्सीन का अप्रूवल एक क्लिनिकल ट्रायल मोड में होगा एंड एवरी पर्सन हु विल बी गिवन कोवैक्सीन विल बी मॉनिटर्ड एज इफ ही और शी इज इन अ क्लिनिकल ट्रायल। अगला अहम सवाल ये है कि ये वैक्सीन सब मार्केट में कब तक अवेलेबल होगी, या फिर हम तक कब तक पहुंचेगी। अगर दूसरे देशों के कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो यूके और यूएस में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन्स के अप्रूवल के एक या दो दिन के अंदर ही मार्केट में रोल आउट हो गई थी, और हिंदुस्तान में भी हम ऐसी ही कुछ उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इन वैक्सीन्स का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था तो भारत की सरकार पैरेलल में अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी, और उस तैयारी में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली, कोविन ऐप। कोविन यानी कि कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा रियल टाइम में स्टॉक, स्टोरेज टेम्परेचर और बेनिफिशियरीज की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हेल्थ मिनिस्ट्री का ये एक ऐसा टूल है जिस पर वैक्सीनेशन के इच्छुक सभी लोगों को एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स, एक पहचान पत्र और यदि कोई और बीमारी है तो उसकी जानकारी देनी होगी। इस पूरे प्रोसेस को मैंने एक और वीडियो में अच्छे से दिखाया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगली ज़रूरी चीज़ जो भारत सरकार ने की वो थी ड्राई रन। ड्राई रन को आप एक मॉक ड्रिल की तरह देख सकते हैं, जिसमें सरकार ने एक पूरी प्रक्रिया को दोहराकर देखा और ये जांचा कि क्या वैक्सीनेटर्स इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्या कोविन ऐप उस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अच्छे से काम कर पा रही है, जिसके नतीजे पॉजिटिव निकले। और जो तीसरी चीज़ भारत सरकार ने की वो थी अपनी कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना, क्योंकि वैक्सीन को कम टेम्परेचर पर ही स्टोर किया जा सकता है, उसके लिए सरकार ने पहले से ही अपनी कोल्ड स्टोरेज अपग्रेड कर ली। साथ ही साथ कुछ 80 करोड़ के आसपास सिरिंजेस का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। अगला अहम सवाल ये है कि ये वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगी। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि फर्स्ट फेज अगस्त 2021 तक चलेगा, जिसमें पहली प्रायोरिटी पर है 1 करोड़ हेल्थ वर्कर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स। इसी के साथ इसी फेज में 27 करोड़ ऐसे लोगों को भी वैक्सीन दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, या फिर जिनकी आयु 50 से तो कम है लेकिन उन्हें कुछ और बीमारियां भी हैं। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि यदि मुझे वैक्सीन चाहिए तो क्या मुझे अगस्त 2021 तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके जवाब में इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो जैसे जैसे दूसरी वैक्सीन्स अगर अप्रूव होती जाती हैं तो उन्हें भी प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू रोल आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि इन दोनों वैक्सीन्स की 2 डोज दी जाएंगी। सेकेंड डोज पहली डोज के करीब 28 दिन के बाद दी जाएगी, और एंटीबॉडीज बनने का जो अनुमानित समय है वो करीब 2 हफ्ते का है दूसरी डोज के बाद। लास्टली, वी आर इन अ पोस्ट वैक्सीन वर्ल्ड, नॉट पोस्ट कोविड वर्ल्ड। वायरस अभी भी हमारे आसपास है, अपनी सावधानी बरतें, साथ ही साथ अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऑल्सो, इट वॉज अ टफ ईयर फॉर ऑल ऑफ अस,
But now is the time to leave the tough things behind and write a new story. A story worth sharing.